कहना चाहता हूँ, कश्मीरी माइग्रेंट के साथ कोई इंसाफ नहीं है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। एक तरफ से आप कहते हो कि हमने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करनी है, तो दूसरी तरफ से आप कश्मीरी माइग्रेंट के लिए सीट रिजर्व करना चाहते हो। तो जब आप सीट रिजर्व करते हो माइग्रेंट कोटे में, इट मीन सरकार की मंशा ये है कि इनको कभी वहां बसाना नहीं है, ये तो क्लियर हो चुकी ना। तो ये तो इनके साथ ही बेइंसाफी है। और नॉमिनेशन किसकी होगी? नॉमिनेशन उसकी होगी जो इनका यजमान होगा। लोकतंतर क्या है? रिजर्वेशन होती क्या है? लोकतंत्र ये है कि लोग जिसका फैसला करें। मैं कहता हूं कि जैसे इनको दिए हैं दो, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन सीट रिजर्व कीजिए हमारी कम से कम 8 सीटें, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग वहां से आए हैं वो अपनी जमीन जदाद घर बार वहां छोड़ आए हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इस 47 की माइग्रेशन में मारे जा चुके हैं। तो हमारा ये है कि इनको दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं, इनको भी रिजर्व कीजिए, हमारी भी 8 सीटें रिजर्व कीजिए, ताकि हमारे MLA जीत कर आए, वो हमारी ये जो कम्युनिटी है, जो रिफ्यूजी जो बरादरी है, इनका कोई भला कर सके। सोनू जी, जिस तरह से उनका ये कहना है कि पहली बार हमारी सरकार ने किसी की सुध ली है, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट है चाहे PUK के रिफ्यूजी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इनका काम है झूठ बोलना, ना खाता ना भाई, जो के बीजेपी वही बात सही। 1953 में 3500-3500 रुपया क्लेम जो है उस वक्त की सरकार ने हमें दिया था, जो हमारे PUK से रिफ्यूजी आए थे, 28 कनाल जमीन उस वक्त हमें दी गई थी। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो पार्लियामेंट में अमृतसर साहब ने कह दिया, यकमुश्त हमने 5.5 लाख रुपए दे दिया। जो पहली सरकार थी उन्होंने तो 25 लाख का प्रपोजल बनाया था। 5.5 लाख रुपए आप उस वक्त का दे रहे हैं, तो वो तो एक आदमी के से 5000 रुपया नहीं आ रहा, वो लड़ाई उल्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासत करना जानती है। अब ये PUK के मुद्दे पे कर रही है या PUK रिफ्यूजीज पे कर रही है? अगर ये वाकया में कश्मीरी माइग्रेंट को कुछ देना चाहते हैं, तो जो कश्मीर के माइग्रेंट एम्प्लॉई है प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के तहत, उनको तो सुरक्षा जो दे नहीं पाए, वो सारे जम्मू में बैठे हैं, जब उन्होंने धरना दिया उनकी तनख्वाहें बंद कर दी। तो ये बीजेपी का झूठा मसला है, ज्यादा देर चलने वाला नहीं। आप इनके सवाल आंसर करना चाहूंगा, जहां पर अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी पार्टी जो है 50 से पार नहीं चलेगी, और कई बार आपने भी यह बयान दिया है कि 5 सीटें जो है वो भाजपा को नहीं मिलेंगी। तो जो नॉमिनेशन के जो प्रोसेस आया, इसमें 5 सीटें तो भाजपा आपको लगता है कि ये बुक कर ही चुकी है? बस यही 5 रहेंगी, बाकी बीजेपी लखनपुर से पार होगी, आप चिंता मत कीजिए। उसके लिए चुनाव होना जरूरी है, वो ये करवाएंगे। आपकी डिमांड यही है कि हमारी डिमांड है नॉमिनेशन नहीं, सीटें रिजर्व कीजिए, कश्मीरी माइग्रेंट को भी कीजिए, हमारे लिए भी सीटें रिजर्व कीजिए, हम जिसको चाहे वो हमारा MLA बने। ये सिख कम्युनिटी का 95% योगदान है उसमें आजादी की लड़ाई में, लेकिन आज इसमें नॉट किया गया सिख कम्युनिटी के लिए कुछ भी। देखिए, ऐसे मैं धर्म की बात तो नहीं यहाँ करता, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि इसमें कोई शक भी नहीं जो आपने बात की है। हम देशभक्त लोग हैं, पहले भी थे, आज भी थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि हम सबके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे।